वहाँ पे एक भाई का, ये जो भाई देख रहे हैं इनका फोन जो है वो चोरी हो गया है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुँची नहीं क्यूल रेलवे स्टेशन पे, देखिए क्यूल स्टेशन के बाहर खड़ी है। ये चीज़ मुझे गलत लगी क्योंकि पैसेंजर्स आगे तक बैठ सकते थे, लेकिन आप देखिए पार्सल पूरा रख दिया। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में चार दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट को हिंदी में पूर्व और पूरब भी बोलते हैं। भारतीय रेलवे ने पूरब की दिशा की ओर जाने वाली एक ट्रेन का नाम पूर्व के ऊपर ही रख दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। सो हे गाइस, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उस पर आप कुछ भी मार दीजिए, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली से पूरब में हावड़ा की ओर जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस वाया पटना। इस ट्रेन का नंबर है 12304। जी हाँ, इस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और पूर्वा एक्सप्रेस का जो नाम है ना, वो पूरब यानी कि ईस्ट की तरफ जाती है ट्रेन, इसलिए इस ट्रेन का नाम पूर्वा एक्सप्रेस रखा गया है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1531 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, पहले की राजधानियाँ जो थी वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी। अभी भी कुछ राजधानियाँ हैं भारतीय रेलवे में जो 65 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ चलती हैं। ये ट्रेन हफ्ते में चार दिन वाया पटना होकर चलती है और बाकी दिन वाया गया होकर चलती है। तो आज हम लोग पटना वाले रूट से ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रेन रविवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और बुधवार को नई दिल्ली से शाम के 5:40 रवाना होती है और 23:20 का समय लेने के बाद 22 ऑल्टो पर रुकते हुए आपको वाया पटना होते हुए हावड़ा शाम के 5 पहुँचा देती है। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा, ई कैटरिंग की सुविधा और बाकी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। एसी, स्लीपर और जनरल तीनों क्लास इस ट्रेन में लगाया जाता है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत पटना जंक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। गाइस निकल रही है भगत की कोठी जोधपुर से आने वाली और कामाख्या को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, और ये भगत की कोठी से आ रही है यानी कि जोधपुर से आ रही है और कामाख्या की तरफ जा रही है। दानापुर से राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बिहार से भागलपुर को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस आ रही है 1 प्लेटफॉर्म। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 8। पटना जंक्शन पे पूर्वा एक्सप्रेस का टाइम सुबह 6:50 में था और 10 का हॉल्ट था। यहाँ से 7 ये ट्रेन डिपार्चर होने वाली थी, लेकिन ये ट्रेन 1:23 की देरी से चल रही है और अभी तक यहाँ पे अराइवल भी नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कितने बजे, कितने लेट से यहाँ पे अराइवल दिया जाता है। 14 की देरी से हमारी ट्रेन बरौनी के 7 लोकोमोटिव के साथ अराइव कर रही है 2 प्लेटफॉर्म पे पटना जंक्शन पे। पूर्वा एक्सप्रेस में आज हम लोग जनरल क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं और आपको आज जनरल क्लास की जर्नी देखने को मिलने वाली है इसके ब्लॉगर्स पे। तो चलिए चलते हैं, पीछे साइड जनरल लगा हुआ है, चलते हैं। ये
देखिए ये है जनरल और पीछे ये वाला जो कोच है ना, इसमें जो यहाँ से उधर का जो एरिया है ये पार्सल के लिए बुक है। पता नहीं पैसेंजर बैठ सकते थे पूरे मतलब कोच में, लेकिन अब पार्सल के लिए बुक कर दिया गया, पता नहीं यार। और बाकी इधर देखिए ठीक ठाक भीड़ है, अंदर भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्ड फॉर RMS सीट नंबर 61-200। देख लीजिए ये जो इधर का एरिया है ये बुक है। ये चीज़ मुझे गलत लगी क्योंकि पैसेंजर्स आगे तक बैठ सकते थे, लेकिन आप देखिए पार्सल पूरा रख दिया गया है तो इसमें यार पैसेंजर कहाँ बैठेगा आप देखिए। और ये इधर जनरल का एरिया है, ठीक ठाक भीड़ है देखिए। जनरल देख लीजिए, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन नॉर्मली पूर्वा में बहुत भीड़ होती है पटना से हावड़ा के बीच में। अभी फ़िलहाल नहीं है पता नहीं, लेकिन होती है बहुत। के बाद हम लोग पहुंच चुके अपने पहले स्टॉप पे, यानी कि बख्तियारपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है BKP और ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में आता है। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 102 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 6 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। बख्तियारपुर का नाम मोहम्मद बिन बख्तियार के ऊपर रखा गया है और बख्तियारपुर का जो फेमस टेम्पल है वो है जगदम्बा टेम्पल, यहाँ का मेजर अट्रैक्शन माना जाता है। और पूर्वा हमारी यहाँ पे लगभग 2 घंटे 10 मिनट की देरी से आई है और रुक रुक के ट्रेन चल रही है। पता नहीं यार इतनी ट्रेन लेट है, लेकिन फिर भी यार इसको सिग्नल देना चाहिए था, मतलब 2 घंटा रिकवर आराम से कर सकती है। चलिए 2 मिनट का यहाँ पे भी हॉल्ट है, डिपार्चर यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद आपसे मुलाकात होगी आगे, क्योंकि बीच के बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जो मैंने कवर कर रखे हैं। वैसे तो रूट कवर है, लेकिन आप लोग की डिमांड थी पूर्वा एक्सप्रेस, तो लीजिए पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल। ये बख्तियारपुर में खड़ी है हमारी ट्रेन और मैं अराइवल नहीं ले पाया था, और देखिए चल पड़ी, चलते हैं जल्दी से। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पहुंची नहीं क्यूल रेलवे स्टेशन पे, देखिए क्यूल स्टेशन के बाहर खड़ी है। हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूल स्टेशन, कोड है KIUL और ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में आता है। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और 120 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 12 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 12 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और पीछे जो हमने ब्रिज पार किया वो एक गंगा नदी था, लेकिन इस एरिया में उसको क्यूल रिवर भी बोलते हैं, मतलब इस क्यूल एरिया में ही बोलते हैं। क्यूल जो है वो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है और लखीसराय नाम का रेलवे स्टेशन ब्रिज से एकदम जस्ट पहले बना हुआ है। और यहाँ से अगर रेलवे रूट की बात कर लूँ तो ये दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे बना हुआ है क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से एक लाइन कटती है जो कि भागलपुर की तरफ जाती है, इसी कारण से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। 1 घंटे 28 मिनट ट्रेन हमारी चल रही है अपने निर्धारित समय से, और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और पीछे आपको मैंने दिखाया अभी कि ट्रेन जो है ना वो पहुँची भी नहीं प्लेटफॉर्म तक, ट्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है एरिया यहाँ पे पार्सल उतारा जा रहा है, ये देखिए कामाख्या दिल्ली खड़ी है यहाँ पे। Thank you.
लोग झाझा पहुँचे हैं और ये जो पहाड़ है ना, इससे बहुत ज़्यादा नोन हूँ मैं। और इधर देखिए ये सारा व्यू, मतलब बारिश से पहले ये एकदम पथरीला पहाड़ दिखता है, अभी एकदम हरियाली दिख रही है, आप देख सकते। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म घूमा हुआ है। ये हैं हमारे विशाल जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। विशाल तुम लेज खा रहे हो, हमको नहीं खिला रहे हो? हम लोग लेज खा रहे हैं। विशाल ट्रेन इतना कम लेट कैसे हो गया? 2 घंटा लेट था, अभी 25 मिनट लेट है जाजा में। अभी तो फिलहाल 25 मिनट है और हमको लग रहा है कि और ज़्यादा होने वाला है। पूछ क्या होना एक बार लोको पायलट से, आगे जाना पड़ेगा। जाओ जाओ जाओ, पूछ क्या पूछ क्या, एक राइड मांगना ठीक है, आगे से घुमा कर लेके आना। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बोला लोको पायलट? बोला एक राइड तो नहीं दे सकते पर लेट इस वजह से हो रहा है, कचौड़ी खाने का मन हुआ तो कचौड़ी खा रहे हैं। अच्छा, कचौड़ी खाने के कारण लेट रहे, रेलवे का और हमारा कितना नुकसान हो रहा है? रेलवे का नुकसान की तो हमको परवाह नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये टाइम कंपोजिशन का है ऐसा बनाया हुआ, थोड़ा बताओ ना। पता नहीं, झाझा से पहले 2 घंटा लेट और झाझा पहुँचने के बाद 25 मिनट लेट, ऐसा कैसे? बात करें तो इस ट्रेन का बहुत ही बेकार है। बेकार किसे है? इस रूट की फेवरेट ट्रेन है, फेवरेट ट्रेन होगी जिनको ज़्यादा देर तक सफ़र करना अच्छा। बहुत डिमांड थी इस ट्रेन की मेरे चैनल पे। हाँ, डिमांड तो थी, अब उनको भी पता लगेगा कि हम गलत चीज़ की मांग कर रहे थे। अच्छा ठीक है, अब आप चुप होइए क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर कोई देखेगा मैं, ठीक है? बाय बाय विशाल, बाय बाय। ये देखिए गाइस, हमारा बिहार भी किसी से कम नहीं है, जो नज़ारे हैं ना। जी गाइस, तो जसीडी, जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं झारखंड में, झारखंड के जसीडी रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है JSME। और अभी तक हम लोग ECR में चल रहे थे, अभी हम लोग ईस्टर्न रेलवे में आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए गुरुमुखी एक्सप्रेस जो है ना, वो डिपार्चर ले रही है जसीडी रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रही है। ये ट्रेन कोलकाता से नंगल डैम की तरफ जाती है। इस स्टेशन का कोड है JSME और ये रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आता है। यहाँ पे 130 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है और 25 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 23 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं जसीडी रेलवे स्टेशन से। और किसको नहीं पता है यार कि जसीडी रेलवे स्टेशन पे लोग क्यों उतरते हैं और क्यों बुकिंग करते हैं। यहाँ से आप बाबा बैद्यनाथ धाम जा सकते हैं, यहाँ से ट्रेन भी चलती है बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए, आप आराम से जा सकते हैं। और अभी यार सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और पहला सोमवार, यानी कि 2-4 दिन बाद है पहला सोमवार, और उस टाइम पे जो यहाँ पे भीड़ होगी ना यार, वो दिखाने लायक होगी। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा जसीडी और आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा 4 मिनट का हॉल्ट था और झाझा तक हमारी ट्रेन लगभग, झाझा पहुँचने से पहले हमारी ट्रेन लगभग 2 घंटे डिले चल रही थी, लेकिन झाझा पहुँचने के बाद जो टाइम का कंपोजिशन ऐसा बनाया गया है कि 25 मिनट डिले होगी, अभी हमारी ट्रेन 29 मिनट डिले चल रही है अपने निर्धारित समय से। यहाँ से डिपार्चर हम लोग देखेंगे और आप लोगों को कभी मौका मिलता है ना तो यहाँ देवघर ज़रूर जाएं, और उसके लिए आप जसीडी आ सकते हैं, जसीडी से कनेक्टिंग ट्रेन या फिर बाय रोड बाहर से आपको ऑटो रिक्शा ओला कैब वगैरह मिल जाएगी, आप आराम से जा सकते हैं देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ऑरेंज ऑरेंज कपड़े, जी हाँ, आप नारंगी कपड़ों में आइए, देख रहे हैं ये लोग चढ़ेंगे अभी इस ट्रेन में, जिनके दर्शन हो चुके हैं मे बी वो लोग चढ़ेंगे। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे जवान भी तैनात हैं, कुछ गड़बड़ ना हो।
सीढ़ी से गाइस लीड हुई है और होगी झारखंड में घुसते हुए। देखिए ये बारिश हो रही है कितनी बढ़िया, मौसम कितना बढ़िया हो गया है। ये निकल रही है मधुपुर आनंद विहार एक्सप्रेस। उस वहाँ पे एक भाई का, ये जो भाई देख रहे हैं इनका फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है और ये सबका पॉकेट चेक कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका पॉकेट चेक कर रहे हैं। देखिए बवाल हुआ है अभी। ये देखिए भाई परेशान है उधर, तो सावधान रहिए यार, मतलब ट्रेन चढ़ने के टाइम पे ही हो सकता है फ़ोन ले लिया गया हो, लोग यही बोल रहे हैं और उनको भी शायद यही लग रहा है। चलिए देखते हैं, चेक कर रहे हैं कहीं मे भी मिल जाए, किसी ने लिया हुआ मे भी, देखते हैं। गाड़ी का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं था लेकिन फिर दे दिया गया 2 मिनट का ऑयल। गुवाहाटी से चलकर त्रिवेंद्रम को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हो रही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन यानी कि हावड़ा, और पीछे हावड़ा की जो बस है ना वो खड़ी है, यानी कि मतलब जो कोलकाता में लोकल सरकारी जो गवर्नमेंट बस चलती है वो खड़ी है, और इससे ही अभी हम लोग सियालदह की तरफ जाएंगे। देख सकते हैं आप पीछे का थोड़ा सीन हावड़ा रेलवे स्टेशन का, और पूरे दुनिया में जो इन द टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म के मामले में जो हावड़ा है ना वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। हमारी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट डिले आई। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नई जर्नी में एक नई एक्साइटमेंट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।